मैं उत्सवी सोनावले आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए आई हूँ। तो ये प्रोडक्ट पर्सनली मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, तो इसे जानने के लिए चलो आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट शो करने वाली हूँ, जिसका रिव्यू देने वाली हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स शेरिल्स ब्रांड की है। तो शेरिल्स एक ऐसी ब्रांड है जो हर एक स्किन टाइप के लिए हर एक टाइप के प्रोडक्ट रखता है। तो यहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट शो कर रही हूँ, वो सारी मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग परचेस की है। तो मेरा स्किन टाइप ऑयली स्किन टाइप है। शेरिल्स का सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं शो कर रही हूँ, वो है शेरिल्स का डर्मालाइट फेस वॉश। तो ये फेस वॉश इंस्टेंट फेयर स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके साथ साथ स्किन पे बहुत जेंटल भी है, और जेंटल होने के साथ साथ ये स्किन को एक्सफोलिएट और हाइड्रेट दोनों सेम टाइम पे करता है। अगर आप मेकअप अप्लाई किए हुए हो तो स्किन पर से मेकअप डीपली क्लीन भी करता है। तो डर्मालाइट फेस वॉश कुछ इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ट्यूब फॉर्म में है और इसकी प्राइस 265 रुपीज़ है। इस पे ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि ये फेस वॉश इंस्टेंट फेयरनेस के लिए है। तो ये फेस वॉश यूज़ करने का एक पर्टिकुलर वे है। इनफैक्ट आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करें तो इसी वे से करें। तो जब भी आप ये फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्किन को वाटर से वेट करें। ज़रा सा फेस वॉश 3 फिंगर्स पे निकाल के सर्कुलर मोमेंट में पूरे फेस पर मसाज दे, और 2 से 3 मिनट तक ये मसाज कंटिन्यू करें। 2 से 3 मिनट बाद आप फेस को वाटर से रिंस आउट करें। ये सबसे अच्छा वे होता है हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने का। शेरिल्स का सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं शो करने वाली हूँ, वो है शेरिल्स का मॉइस्चराइज़र, क्लैरी मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी आप ऑयली स्किन पर फेस वॉश करते हैं, उसके 1 या 2 घंटे बाद वो वापस से शाइनी और स्टिकी हो जाता है। तो ये मॉइस्चराइज़र स्किन को मैट फिनिश लुक देने में हेल्प करता है। तो शेरिल्स का क्लैरी मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक ट्यूब फॉर्म में है और इसका प्राइस 455 रुपीज़ है। तो शेरिल्स का क्लैरी मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र को भी यूज़ करने का एक अपना वे है। चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे वो फेस वॉश हो चाहे मॉइस्चराइज़र, उसे यूज़ करने के लिए हमें यही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो जब भी हम क्लैरी मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश को टॉवल ड्राई करने के बाद क्लैरी मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र हैंड पे लेंगे 3 फिंगर्स पे, और स्किन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर डैप करेंगे और जेंटली अप्लाई करेंगे। इसका जो थर्ड प्रोडक्ट शो कर रही हूँ, वो है SPF, डर्मा शेड SPF। तो SPF हमारी स्किन को सन ब्लॉक से प्रोटेक्ट करता है। SPF कोई भी स्किन केयर रूटीन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो यहाँ पर शेरिल्स के पास 2 टाइप के SPF है। फर्स्ट SPF है जो एक्सेस ड्राई स्किन के लिए है, SPF 50, और ऑयली स्किन के लिए है SPF 30। तो मेरी स्किन टाइप ऑयली है, तो मैंने SPF 30 परचेस किया है। तो SPF 30 कुछ इस टाइप से दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक बॉटल में है, ये एक स्प्रे फॉर्म में है, और इसका प्राइस 575 रुपीज़ है। तो SPF 30 को कैसे यूज़ करना है? फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद आप इसके 2 to 3 pumps हैंड पर लेकर एकदम फाइन लेयर में स्किन पर जेंटली अप्लाई कर सकते हो। जबकि मैं इसे डिफरेंट वे में अप्लाई करती हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र और SPF दोनों को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और SPF तीनों 50 ग्राम्स के हैं।
तो शेरिल्स के और भी प्रोडक्ट आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो या एक्ने स्किन टाइप हो। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।